खबर अयोध्या से है, जहां सीबीएसई बोर्ड 12th में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की वंशिका कुलश्रेष्ठ ने 97.4% अंक हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। वंशिका के घर पर जश्न का माहौल है। इस मौके पर हमारे संवाददाता देश दीपक श्रीवास्तव ने वंशिका और उनके परिवार वालों से खास बातचीत की है। क्या कहना चाहती हैं इसके कलीज को, बच्चियों को, किस तरह बधाई देना चाहती हैं? सभी का ये है कि जब भी पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, पढ़ाई करें और तो सफलता निश्चित मिलती है, और मेहनत करो आगे सफल होंगे। अयोध्या धाम लगी अयोध्या में वंशिका कुलशेष ने टॉप किया है बहुत ही स्कूल से, 97.4% पाकर बहुत ही स्कूल में टॉप किया है। यहाँ खुद बैठी हुई है नन्ही बच्ची है जिसने टॉप किया है, और उससे बातचीत करते हैं। बहुत कॉन्शन वंशिका, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब 97.4% सबको बहुत खुशी है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? मम्मी पापा, जो लाइक फिजिकली मेंटली जो सपोर्ट होता है, और इवन माय ब्रदर एंड भाभी, जो उन्होंने मेरे को इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी तो लाइक बीकॉम परस्यू करना है, देन फिर सीए की प्रिपरेशंस। अच्छा, क्या आप कितने घंटे आप प्रिपरेशन करती थी, आप क्या कैसे मोटिवेशन हुआ, कितने घंटे पढ़ने हैं हमको टॉप करना है? डेली आई थिंक 4 to 5 hours, बट जितना भी पढ़ो फुल फोकस के साथ पढ़ो, मतलब जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको आप हटाओ, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो फुल फोकस के साथ सिर्फ पढ़ाई करो। और वंशिका के दादाजी बैठे हैं जो बहुत मोटिवेट किए हैं बच्ची को, और इनसे बातचीत। दादाजी बहुत बधाई हो आपकी पोती ने जो टॉप किया है स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल सीबीएसई का रिजल्ट अचानक आया तो मुझे उम्मीद तो लग रही थी, लेकिन धड़कन बढ़ गई कि क्या आएगा, लेकिन इसी सफलता देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और मुझे गर्व है कि इसने कुछ स्थान प्राप्त किया। मैं 60 साल शिक्षा में अटैच रहा हूँ, पॉलीटेक्निक में 35 साल, इंटर कॉलेज ICSE और CBSE में 25 साल, तो मुझे बच्चों से, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे बड़ा प्रेम और आशा रहती है, वो उसने मेरी पूरी की है। मैं बड़ा खुश हूँ और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि दिनों दिन तरक्की करे। देखिए, वंशिका के दादाजी थे, इनका कहना है कि बच्ची दिनों दिन तरक्की कर रही है और आगे जा रही है, और बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं। वंशिका के फादर हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में यहाँ पर GM है, और हम लोग अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, इससे बातचीत करते हैं। कि सर, बहुत बधाई हो आपको, आपने वंशिका की बेटी। थैंक यू वेरी मच, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अयोध्या एयरपोर्ट पर हम लोग यहाँ पर आए, और अयोध्या हमारे लिए बहुत शुभ रहा। वंशिका कुलश्रेष्ठ ने भवदिया स्कूल को टॉप किया और डिस्ट्रिक्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 98% और 97.4% ये मायने नहीं रखता है, मेन मायने रखता है कि आपका जो एम है और आपका जो पढ़ने का तरीका है वो फिक्स होना चाहिए। अभी क्योंकि गर्ल्स के फ्यूचर में हमेशा आर्किटेक्चर और बैंक की नौकरीज का हमेशा अच्छा वो रहता है, तो हम लोगों ने यही सोच के इसको थोड़ा सा IT और उस टेक्निकल सेक्टर से बाहर निकलवाया। तो देखिए, वंशिका फादर थिंग का कहना है कि जो है कि नंबर माने रहते, 98-97% माने रहते गर्ल्स को टॉप करना है और देश की सेवा करनी है, ऐसा इनका मानना है। किसी नाम कॉलेज जाकर, कॉमर्स किसी में जाकर तरक्की करेगी और देश का नाम रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव सिंह मोनू के साथ मैं देश दीपक श्रीवास्तव, APN News, धर्मनगरी अयोध्या।